दतिया में कृषि विज्ञान केंद्र में मध्य प्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण भविष्य की रणनीति विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने मां सरस्वती को माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के किसान एवं कृषि विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। जिला उद्यान अधिकारी सर्वेश तिवारी मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार नर्मदा घाटी विकास मध्य प्रदेश प्रशासन राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा कार्यक्रम में लाइव प्रसारण में रहे। इसके बाद मुख्य अतिथि दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने सभी के समक्ष अपने उद्बोधन में कहा कि कृषि विभाग उद्यान के अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो नई नई विधाएं अनुसंधान की और नई नई गतिविधियां दी जाती है, इससे किसान की फसलों को काफी फायदा होता है। मैं आगे कोशिश करूंगा इस कृषि उद्यान केंद्र की तरफ से नई नई सुविधाएं किसान को दी जाए और जानकारियां दी जाए जिससे किसान को काफी फायदा मिले। पहले किसान यूरिया को नहीं जानते थे, जब यूरिया का उन्होंने फायदा देखा कि फसल अच्छी होती है, तो आज यूरिया की कितनी कीमत है यह आपको देखने को मिलती होगी। मैं आगे किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि कृषि विज्ञान केंद्र में आकर नई नई उपलब्धियां सीखे और अपनी फसल को उपजाऊ बनाए जिससे आपको फायदा मिले। ये सब जो लोग हैं जिसमें प्रगतिशीलता है, रूढ़ी को छोड़ कर करके नए प्रयोग को अपनाने का, ये इसके लिए करेज की जरूरत होती है थोड़ी सी, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो करने में कंफर्ट होता है, इसको कहते हैं कंफर्ट बॉक्स। जो कर रहे हैं, जो परंपरा है, आमतौर से हम वैसा चल देते हैं। परंपरा को छोड़ करके नए रास्ते को चुनना, ये करेज लगता है, इसमें हिम्मत लगती है, रिस्क रहता है। दतिया से रजनी लिटोरिया की रिपोर्ट।